देखना इसमें है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सर जो 500 रुपीज, ऐसे मान के चलो, देखो ऐसे समझ लो कि आपके पास में रुपीज कितने हैं, 500। अभी आपके पास में कितने रुपीज हैं, 500। अब आपके पास में टू फ्रेंड थे, आपके पास में दो दोस्त आए, एक ने कहा कि सर मुझे इसका दे दो 2/5 पार्ट, ठीक है, और एक ने कहा नहीं मुझे चाहिए 3/10 पार्ट। तो आपने कहा कि इन दोनों में से जो जिसके पास में ज्यादा रुपए होंगे, यानी कि जिसका पार्ट ग्रेटर पार्ट है, जो भी ग्रेटर पार्ट है, जो बड़ा भाग ले रहा है इसका, उसको मैं रुपीज दूंगा इसमें से। तो आपने क्या कहा, तो आप क्या होगा जो 500 रुपीज है ओफ या का, क्योंकि 2/5 किसका है, 2/5 किसका है, 500 रुपीज का है, तो यहां पर क्या होगा, ओफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफ। जब यहां पर अगर ऑफ करोगे तो यहां पर हम क्या कर देंगे, ऑफ, क्योंकि हमने सीधी बात ये क्या लिखा हुआ, ये वास्तव में ऐसा है तो लिखा हुआ है 2/5 पार्ट ऑफ ₹500, 500 का 2/5 भाग। और हमें पता है कि इसका अगर कोई भी पार्ट निकालेंगे, बोलने भी तो ऐसे बोलते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया 2/5, इधर गया तो कितना हो गया सर, 500 × 3/10। अब देखो दोनों को डिवाइड हो रहा है, ये इसमें 5 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 100 टाइम, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200। हमें पता है कि 10 का डिवाइड करेंगे तो 10 × 5 = 50, और 0, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो कितना हो गया, 150, क्योंकि 5 × 3 = 15, तो 150। अब बताओ किसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो आप कहोगे सर 200 रुपीज इसको ज्यादा मिलेंगे तो हम इसको देंगे। तो ग्रेटर पार्ट कौन सा हो गया इसमें से, 2/5 पार्ट इज ग्रेटर देन 3/10 पार्ट, 2/5 भाग 3/10 भाग से बड़ा है। चलो एक बार समझ लीजिए ना सभी स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ उसे पढ़ते हैं पहले बहुत ध्यान से, आराम आराम से। हाउ मच मोर देन 2/3 ऑफ 57 इज 1/3 ऑफ 90, ठीक है, एक बर्तन 2/3 पानी से भरा है। नहीं ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे गलत आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा पेस्ट हो गया, ये क्वेश्चन दूसरे का यहाँ पेस्ट हो गया। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ क्या है, ऐसे मान के चलो कि दो फ्रेंड्स आपके पास, ठीक है, और दोनों के पास में अलग अलग रुपीज है, एक के पास में कितने रुपीज है, 57, एक के पास में कितने रुपीज है, 90, तो एक के पास में 57, एक के पास में 90। अब देखो एक फ्रेंड के पास में कितने रुपीज है, 57, एक के पास में कितने रुपीज है, 90। अब क्या लिखा हुआ है, 2/3 ऑफ 57, यानी कि 57 का कितना चाहिए आपको, 2/3, मैं आपको कुछ वैल्यूज आपको लिखाना भूल गया, बाकी आप देख लीजिए बीच देखना, 2/3, देखो जब भी लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है ना, देखो जो पहले लिखा आता है ना वो तो आता है ऊपर न्यूमरेटर में, और जो थर्ड बाद में लिखा हुआ वो आता है नीचे, यानी कि 2/3 का मतलब हो गया 2/3, 2/3। इसी तरह मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है 2/3, हिंदी में लिखा हुआ है 2/3, तो 2 कहाँ आएगा, ऊपर, तिहाई यानी कि 3 जो चला जाएगा नीचे हर के अंदर चला जाएगा, तो ये होता है 2/3। इसी तरह ये लिखा हुआ 1/3, तो आप अब समझ गए होंगे कि 1 कहाँ रहेगा सर, न्यूमरेटर में, थर्ड कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1/3 लिखा हुआ है, 1/3, तो एक ये रहा तिहाई, 1/3, ठीक है। अब आपको क्या कहा कि 2/3 ऑफ 57, यानी 57 का तो कितना चाहिए आपको, 2/3 चाहिए ना, और 1/3 ऑफ 90, 90 का कितना चाहिए आपको, 1/3 चाहिए। इसी तरह देखो 57 का तो आपको 2/3 निकालना है और 90 का आपको 1/3 निकालना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि सर जब हमें पता चला कि इसको 57 का कितना चाहिए, हमें 57 का कितना चाहिए, 2/3, ये लो सर 57 का तो हो गया 2/3, यानी 57 का तो कितना हो गया, 2/3, और 90 का कितना, 1/3 या 1/3, 90 का या ऑफ मल्टीप्लाई कितना, 1/3। अब पता कर लो कि इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा, तो पता चला कि सर इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, और अगर आपको अच्छे से टेबल पता तो आप सीधा बता दो कि सर 19 × 3 = 57 होता है, इसीलिए आपको रोज रोज में टेबल लिखने को कहता हूँ कि एक बार लिख के छोड़ दिया करो, 15 मिनट लगते हैं मुश्किल से,
तो 19 और 19 टू जे कितना होगा, 38। 19 टू जे 38 ये लो सर, या डिवाइड कर लेना इसमें। सर इसमें हो गया 30 टाइम्स, और 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 30। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पूछा कि जो 2/3 ऑफ 57 है वो 90 के 1/3 से हाउ मच मोर, यानी कि कितना अधिक है। तो अधिक आपको पता चला कि सर कितना अधिक है, तो आपने कहा कि सर +8, यानी कि 8 अधिक है। अब आपको क्वेश्चन में ये भी लिखा सकता था विच इज ग्रेटर, तो आप कहोगे सर ये वाला तो बड़ा है, ये दिस इज ग्रेटर देन दिस, एंड कितना सर 8 मोर देन, तो कितना अधिक है 8, तो कितना हो जाएगा सर इसका 8 अधिक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, दोबारा समझ लो। हमारे पास में टू वैल्यूज है, एक अलग अलग, एक हमारे पास में 57 है, एक हमारे पास में 90 है, एक 57 है एक 90 है। आपको एक जगह तो कहा कि 57 का तो 2/3 हो और 90 का 1/3 हो, ठीक है, 57 का तो 2/3 हो और 90 का 1/3 हो, और फिर आपको ये बताना है कि कौन सा तो ग्रेटर है, यानी कौन सा बड़ा इन दोनों में से और कितना अधिक है, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि सर 57 2/3 57, 57 का 2/3 मतलब ये लो सर मल्टीप्लाई में 2/3 कर दिया, 1/3 ऑफ 90, 90 का 1/3 यानी 90 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो पहले लिखा होता वो कहां आता है ऊपर न्यूमरेटर में, बाद में लिखा होता वो कहां चला जाता है डिनोमिनेटर में, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि सर ये 38 निकला, ये 30 निकला, क्योंकि डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया जैसे कंपैरिजन में करते हैं। तो ग्रेटर कौन है सर, 2/3 57, 2/3 ऑफ 57 इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ 90, 2/3 57 का 2/3 90 के 1/3 से क्या है अधिक है, कितना सर 8, 8 अधिक है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए सभी स्टूडेंट अपने आप को बोल बोल के समझाइए, ठीक है, पूरा क्वेश्चन बोल बोल के समझाइए कि सर 1/3 लिखा हुआ है तो 1 ऊपर 3 नीचे, 2/3 लिखा हुआ तो 2 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। फिर सर 2/3 ऑफ 57 दिया हुआ है, 57 का 2/3 दिया हुआ मतलब 57 मल्टीप्लाई 2/3 ये हो गया, फिर लिखा हुआ 1/3 ऑफ 90 इसका मतलब 90 मल्टीप्लाई 1/3 1/3। अब क्या करेंगे सर, हमें पता चला है कि 57 में 3 का डिवाइड हो सकता है, या फिर 5 और 7 12 करेंगे आपस में प्लस करके तो पता चल जाएगा कि 3 का डिवाइड हो रहा है, ठीक है सर। डिवाइड किया तो किसका हो गया सर 19 टाइम्स, 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 38, फिर सर 90 में 3 का डिवाइड किया कितना हो गया 30, 30 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आया 30, कितना अधिक है सर 8, कौन सा सर 2/3 ऑफ 57, 57 का 2/3 अधिक है कितना सर 8, इस तरह इसका आंसर हो गया। मोदी जी क्वेश्चन है फापी से, हमने क्या देखा सर, हमने देखा कि 63 का तो 2/3 पार्ट चाहिए हमें, ठीक है, 2/3 ऑफ 63 एंड 1/3 ऑफ 84, 84 का 1/3, और फिर ये बताना है कि कितना अधिक है। चलिए तो 63 मल्टीप्लाई 2/3 और 1/3 हो जाएगा सर 84 1/3, क्योंकि 1/3 का मतलब एक ऊपर रहेगा और 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, 3 कहाँ चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। अब हमने देखा कि सर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये हो गया 21, क्योंकि 6 3 2 6 और 3 1 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 21 2 कितना हो गया सर 42, इधर क्या तो सर 84 में हम डिवाइड करें तो चलिए 84 में अगर आपको टेबल नहीं पता तो ऐसे कर लीजिए, 3 2 6 -1 4 और 3 4 12, 3 4 कितना हो जाएगा 12, माइनस किया तो 2, नहीं, गलती कर दी गलती कर दी, 1 मिनट रुकिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 2 आएगा ना यहाँ पर 24 8, ये कितना होगा 24 और 8 0, तो कितना आ गया सर 28। अब हमने क्या देखा सर, हमने ये देखा कि ये ग्रेटर है लेकिन कितना सर, तो इसको इस माइनस कर लो, 42 में से 28 माइनस कर लो तो कितना आएगा सर, ये 3 बनाओ 12 बनाओ, 12 माइनस 8 तो 4, 3 माइनस 2 तो 1, तो कितना अधिक है सर 14 अधिक है, कितना अधिक है 14, कौन सा सर ये वाला इस ग्रेटर है, ये बड़ा है और कितना सर, ये 14, ये 14 इज मोर देन 14 अधिक है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, क्वेश्चन में तो इतना तो पूछा है कि हमें इन दोनों का आपको ये पता करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है। तो सर आपके पास में दो अलग अलग रूपीज हैं, तो
तो पहले आप उन दोनों के अलग अलग दोस्त को ये तो पता करो कि हम लेंगे कितना उन दोनों से। ठीक है, आप पहले वाले के पास गए, आपने कहा कि ले भाई, तो एक काम कर, तेरे पास कितने रुपीज है? 250। उसने कहा 250, तो मुझे एक काम कर, उसका 7/5 फाड़ दे दे। उसके बाद 250 रुपये थे, आपने उससे 7/5 भाग उसका ले लिया। तो उसने कहा कि सर मेरे पास है 250 रुपीज, आपने कहा लाओ इसका 7/5 पॉइंट मुझे दे दो। दूसरे के पास गई, कितने रुपये भाई तेरे पास? 160। ला मुझे 9/4 पार्ट दे दे। आपने 160 रुपीज का कितना ले लिया? 160 रुपीज का या ऑफ मल्टीप्लाई 9/4। चलो डिवाइड करना स्टार्ट करो। हो गया सर 5 5 जा 25, 0 7 में रहा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 7 5 जा 35, 0। ध्यान से देखना हर स्टेप को। इधर ये लो सर, बहुत ईजी है। 4 4 4 4 जा 16, 0। और 9 4 जा कितना होता है? 36। ये लो 0। किससे ज्यादा रुपए ले रहे हो सर? सर हम जो ज्यादा रुपए ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं इससे, इससे हम ज्यादा रुपए ले रहे हैं। और कितने ज्यादा ले रहे हैं सर? सर इतना है क्या? ये तो बहुत देख के पता कर सकते हैं, फिर भी मैं चलो लिख के आपको समझा देता हूँ। सर इससे हम 10 रुपीज ज्यादा ले रहे हैं, इससे इससे ज्यादा ले रहे हैं। तो किससे ले रहे हो सर? इस 9/4 वाले से ज्यादा रुपीज ले रहे हैं। और कितने रुपीज ले रहे हैं? 10 रुपीज। चलो जिनको नहीं समझ में आया हैंड रेज करो। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत छोटी सी बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द 3/4 पार्ट एंड 7/5 पार्ट ऑफ ₹800, ठीक है, दो पार्ट है ₹800 के, इज मोर एंड फाइंड आउट बाय हाउ मच। ₹800 के दो भाग है, एक 3/4 भाग, एक 7/5 भाग, और इनमें से कौन अधिक है और कितना अधिक है? बस अब ऐसे समझ लो कि आपके पास में रुपीज है 800, आपसे दो दोस्त आए, एक दोस्त ने कहा लाओ मुझे आपका 3/4 पार्ट चाहिए, और एक ने कहा 7/5 पार्ट चाहिए। तो आपको यही तो देखना है कि आप किसको ज्यादा रुपए दोगे, अधिक ही तो देखना है। तो बस अब देखो, अगर आपको का या ऑफ हो तो क्या करेंगे? हमेशा मल्टीप्लाई, यानी कि 800 मल्टीप्लाई 3/4, इधर सर 800 मल्टीप्लाई 7/5। और सबको पता है कि ये हमेशा ऊपर रहता है, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो इसके 1 लगा देना, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब क्या करना है, इसमें इसका डिवाइड करना है। तो सर बहुत ईजी है, 4 2 जाए 8 200, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया सर 600। ठीक है, और अपन में 1 का तो कोई डिवाइड का मतलब रहता नहीं, क्योंकि 1 का डिवाइड करोगे तो वही आंसर आ जाएगा। फिर से सर, सर 16 5 जा 80 होता है ना, 16 5 जा 80 नहीं, डिवाइड कर लेना, और 0 7 में रहेगा क्योंकि 0 तो रहेगा है ना साथ में, ये हो जाएगा सर मल्टीप्लाई। 16 7 जा कितना होता है? 112, और साथ में 0, तो 1120। अब आपको पता चला कि सर हमारा ग्रेटर कौन है? सर ये, इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। कितने ज्यादा मिलेंगे सर? ये रहे सर, एक को हम कितना दे रहे हैं सर? 1120, एक को दे रहे हैं सर 600, माइनस कर दो 25। सर इसको हम इससे 520 रुपीज ज्यादा दे रहे हैं, इसको मोर दें 520 मोर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सर? पहली बात तो देखो 7/5 इज ग्रेटर, तो हमने तो ये देखो, ये 7/5 7/5, 3/4 3/4, तो ये दोनों तो हो गए कट। अब कितने रुपीज थे सर? 520। कितने थे? 520। तो ये नहीं हो सकता सर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा सर क्वेश्चन माय था। आंसर इज राइट सर, माय आंसर इज राइट। अरे वापिस समझा रहा हूँ, रुको एक मिनट। हमारे पास में सर 800 रुपीज थे, एक का 3/4 पार्ट, एक को दे रहे थे 7/5 पार्ट, का या ऑफ मल्टीप्लाई, तो 800 मल्टीप्लाई 3/4, 800 मल्टीप्लाई 7/5, इसमें इसका डिवाइड किया तो सर 4 2 जा 8 0 0, तो 200 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 600। 5 सर 16 5 जा 80 0, 16 7 जा 112 0। अब इन दोनों में से अगर हम पता करें तो कौन ज्यादा, कितना ज्यादा है सर? 520, कौन सा? ये वाला। चलो अब जिनको भी नहीं समझ में आया वो हैंड रेज करो। सर क्वेश्चन को पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, और क्वेश्चन को पढ़कर उसका इमेज अपने माइंड में बनाना स्टार्ट करो। क्या लिखा हुआ है सर? इफ द वैल्यू ऑफ हाफ प्रॉपर्टी इज ₹400, देन द वैल्यू ऑफ 1/6 ऑफ इट। क्वेश्चन बहुत छोटा है, एक भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य ₹400 है,
तो उसके 1/6 भाग का मूल्य क्या होगा। बस पहले ये समझो क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि हाफ प्रॉपर्टी। हाफ का मतलब आप सभी को पता है, आज नहीं पता हो तो आप समझ लो, हाफ लिखा हो या आधा भाग लिखा हो, आधा भाग या हाफ पार्ट, हाफ पार्ट या आधा भाग लिखा हो, हाफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है। किसी भी चीज का अगर हाफ या आधा पूछे ना तो उसका मतलब होता है 1/2। आज से ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी थिंग का अगर आपको हाफ कहीं चाहिए, आपको आधा चाहिए, तो क्या करोगे सर, 1/2। उसका मतलब क्या हो गया, उसका 1/2। अब आपको कहा है कि जैसे प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को हम पी मान लें एक बार के लिए, किसी भू संपत्ति को तो पी मान लें, कि मान लो हमारे पास में एक पी है, पी हमारे पास में कोई वस्तु है, ऐसे मान लो पी क्या है, एक वस्तु है जो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी यानी कोई भी हो सकती है प्रॉपर्टी, भू संपत्ति। भू संपत्ति का मतलब होता है जैसे प्लॉट नहीं होता, अपने पास में जो प्लॉट होता है उसे क्या कहते हैं, हम भू संपत्ति कहते हैं, उसे प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये तो मान लो प्लॉट है, इस प्लॉट को पी मान लिया हमने। इस पी का, क्योंकि हाफ पार्ट तो किसका है, हाफ किसका है, इस पी का है तो हाफ है, आधा किसका है, इस प्लॉट का है तो आधा है, तो पी का हाफ, हाफ ऑफ पी, यानी कि पी मल्टीप्लाई 1/2, ये तो लिखेंगे। तो पी का 1/2, पी का आधा, हाफ ऑफ पी, हाफ ऑफ पी, हाफ का मतलब 1/2 पी। अब इसका आपको पता है वैल्यू दे रखी, कि अगर आपको इस प्रॉपर्टी की हाफ की वैल्यू कितनी है, आधे भाग की मूल्य कितना है सर, 400 रुपए। तो इसका हो गया सर ये 400 रुपीज, 400 रुपीज हो गया। फिर आपको क्वेश्चन बाद में क्या पूछा है कि सर अगर आपको इसी का 1/6 पूछे, तो मतलब आपको इस पी का 1/6 की वैल्यू बतानी है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पी कितना है, ये तो पता होना चाहिए। क्या पी यहां से निकाल सकते हो, देखो क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये होती है इक्वेशन। एक और अच्छी बात सिखाता हूँ, देखो जब भी आपके पास में इक्वल लिखा होता है उसे इक्वेशन कहते हैं। कैसे, इसके इक्वल के कुछ नंबर्स तो इधर होंगे और कुछ नंबर्स इधर लिखे होते हैं। अगर मान लो दोनों तरफ नंबर लिखे हो ना, तो वो फिर एक इक्वेशन डन होती है, और फिर आप उसमें से वैल्यू पता कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि इस तरफ क्वेश्चन मार्क होता है तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ आपको साफ साफ वैल्यू दे रखी है कि सर पी का आधा भाग जो है वो कितना है, 400 रुपए, यानी कि हाफ पार्ट ऑफ पी इज इक्वल टू 400 रुपीज। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, लिखना एक बार समझ लीजिए, दोबारा समझा रहा हूं मैं, है ना। देखो हाफ प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ हाफ प्रॉपर्टी इज 400, भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य है 400 रुपए। तो भू संपत्ति को मान लेते प्लॉट, एक प्लॉट है पी। अब उस प्लॉट के अगर आप आधे भाग का, जैसे ये तो पूरा भाग है प्लॉट, अगर आपको कह दे कि इतना भाग, तो ये क्या हो गया इसका 1/2। तो यानी इसी पी का जब हाफ 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है सर, 400 रुपीज। इसकी वैल्यू कितनी है, 400 रुपीज। तो पी मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सर इसी के 1/6 पार्ट की वैल्यू बताओ, इसी के 1/6 भाग की वैल्यू बताओ। तो पी मल्टीप्लाई 1/6, अब आपको इसमें क्या चाहिए, पी की अगर आपको वैल्यू बताओगे तो क्या करोगे, 6 का डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन पहले आपको पी की वैल्यू तो चाहिए ना, तो पी की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से। कैसे, क्योंकि ये इक्वल के अंदर कुछ वैल्यू दे रखी है हमें पहले से, तो इसको उधर भेज दे, पी की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो अगर आपको पी की वैल्यू चाहिए, हमें पता है कि पी की वैल्यू के बगैर ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पहले अपन को 6 का डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन डिवाइड किसमें करें सर, या तो पी है, पी की जगह कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, 60, 120, एनीथिंग जो भी। तो ये पी की वैल्यू कहां से आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिख रखा है हाफ प्रॉपर्टी इज 400, आधे भाग का मूल्य 400 रुपए, तो पी का आधा, हाफ ऑफ पी, तो पी मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि हाफ होगा, का लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, और पी, ध्यान से समझो, पी की जगह पी लिख दिया, ऑफ या का की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया, उसका हाफ या आधा भाग 1/2 लिख दिया। इसका वैल्यू कितनी है सर, 400 रुपीज, इसकी वैल्यू है कितनी है, 400 रुपीज वैल्यू है। तो पी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। याद करो जब हमने क्वेश्चन कर रहे थे बिंबू वाले, उसमें यहाँ पे 1 लिख रहे थे, पी की जगह यहाँ पे कितना लिख रहे थे, 1, बाकी सारों को किधर भेज रहे थे, उधर, और उस 1 की वैल्यू फाइंड आउट हो रही थी, बस वो वाला काम यहाँ करेंगे। अब ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो जो डिवाइड में होता है वो तो कहाँ चला जाता है, ऊपर, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, नीचे। यानी कि पी की वैल्यू जब पता करेंगे तो 400 के साथ में ये 2 तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये 1 कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में। ये लो सर, अब बताओ अब क्या कर दें सर, 400 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800/1,
तो पी की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी सर, 800 रुपीज, क्योंकि 1 का डिवाइड करेंगे। तो अब आपको ये पता चल गया कि सर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है सर, 800 रुपीज। तो पी की वैल्यू कितनी आई, 800 रुपीज। तो अब इस पूरे पी की वैल्यू कितनी है, 800। अब इसकी जगह 800 लिख दो, पी की जगह, इस पी की जगह 800 लिख दो, क्योंकि पी की वैल्यू कितनी निकली, 800। कैसे पता किया सर, ये हमारे पास में था मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई 1/2 कहाँ से आया, हाफ ऑफ पी लिखा हुआ था, पी का आधा, तो पी मल्टीप्लाई 1/2 400। मल्टीप्लाई होने कारण ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, ये हो गया सर 1/6। अब क्या करें सर, हमें पता चला कि ये दोनों इसमें से मल्टीप्लाई कर दो, तो 800/6 लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं, चलो इसमें डिवाइड करो, तो 800 में 6 का डिवाइड करो, करो 6 का डिवाइड, 6 वन जा 6, माइनस किया 2, 20, 6 3 जा 18, माइनस किया सर 2, 20 और 6 3 जा 18 कितना हो गया सर, माइनस किया 2, क्या सर 133 2/6 हो सकता है क्या सर, ऐसा तो कहीं दिया हुआ नहीं, पॉइंट में दिया हुआ। अब देखो, अब आपके पास में पता चला कि सर, अंशिका कैमरा ऑफ करो। अब देखो यहां से देखो क्या, अब ऊपर देखो ये नंबर हो गया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, क्या ऊपर से कोई नंबर यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता। जब आपको लगे कि नहीं सर ऊपर सभी नंबर सभी पूरे हो चुके हैं, अब ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, तो हम नीचे ला सकते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ तक आ गया, ये भी आ गया, अब नहीं है ना। अब क्या होगा सर, अब जब नंबर कंप्लीट हो जाए फिर भी रिमाइंडर रह जाए, तो या तो इसको क्या लिख दो 133 2/6, या तो आपको ये वाली वैल्यू आपको पता होगी क्योंकि इस तरह यू बना के, लेकिन हमने देखा कि सर ऑप्शन में तो ऐसा कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, नहीं लिखा हुआ, तो इसके आगे पॉइंट में लिखा हुआ है ना, तो चलो पॉइंट निकालते हैं। अब पॉइंट कैसे निकालते हैं सीखना, देखो सबसे पहले जब आपके पास है वैल्यू पूरी हो जाए, ऊपर ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं रहे, कोई भी नंबर नहीं रहे जो यहाँ नीचे ला सकते हैं, फिर इसका इसमें डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिखो पॉइंट, यहाँ पे लिखो पॉइंट। तो अगर आपने एक बार पॉइंट लगाया है तो आप एक बार जीरो यहाँ से ले सकते हो, यानी कि उधार ले सकते हो, मान लो कि पॉइंट लगाने से क्या मिल जाएगा आपको, एक जीरो मिल जाएगा, ये एक पावर है। जैसे हम गेम नहीं खेलते, गेम खेलते खेलते हम कभी एड देखते हैं, तो एड देखने से हमें एक रिवार्ड मिलता है, और फिर उस रिवार्ड से हमें कुछ 5 पॉइंट्स या लाइफ एक्स्ट्रा मिल जाती है। जैसे मान लो अपने पास में 3 लाइफ्स होती है, तो जब तीनों लाइफ्स कंप्लीट हो जाती है तो हमें हमें कहता है कि चलो एड देखो आपको 2 लाइफ्स और मिल जाएगी, तो एड देख के मिल जाती है बस। ये पॉइंट लगाने से हमें 1 जीरो और मिल जाता है, ये मान लो कि 1 लाइफ मिल गई हमें। अब वापिस डिवाइड कर दो फिर से सर, 6 3 18 माइनस किया 2, ये लो सर, फिर से आपने एड तो पहले देख लिया था ना, तो एक बार और जीरो ले लो, ठीक है, हो गया सर 6 3 18 माइनस 2 सर, इसका ये तो रुक ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको आगे क्यों जाना है, आप अपना ऑप्शन देखो ना, ये लो सर मिल गया ऑप्शन, बस आपको ऑप्शन मिल जाना चाहिए आगे, अभी ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये इसी तरह आएगा 3 3 3 3 3 3, बस पॉइंट लगाने से, ये डेसिमल वाले डिवाइड है ना, पॉइंट लगाने से आपको क्या मिल जाती है, लाइफ मिल जाती है, जीरो लगा लिखने की, पॉइंट पहले से लगा हुआ, 1 जीरो और ले लो, अब जितनी बार चाहिए उतनी बार जीरो ले लो, लेकिन एक कंडीशन होगी वो फिर मैं आगे जब डेसिमल वाले सिखाऊंगा उसमें सिखाऊंगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, 133/0.33। दोबारा देखो, सर मुझे एक और बार समझा रहे हैं, तो समझाने बोला तो सही, रुको तो सही, मैंने बोला ना, दोबारा समझा रहा हूँ, माइक म्यूट करो। हमें सर सबसे पहले क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ हाफ प्रॉपर्टी, यानी कि हाफ का मतलब आधा। एक एक बात को ढंग से समझे, एक स्टेप को सोचना स्टार्ट करो कि हाफ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, यानी कि 1/2 किसका सर, पूरी प्रॉपर्टी का, पूरी प्रॉपर्टी का कितना चाहिए आपको, 1/2 आधा भाग चाहिए, और इस प्रॉपर्टी का मैंने प्लॉट प्लॉट ले लिया हमने, कि एक प्लॉट है उसे प्रॉपर्टी बोल दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि सर इस प्रॉपर्टी को हमने प्लॉट ले लिया, तो प्लॉट को पी मान लेते हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, पी, और इस पी का कितना सर, आधा हाफ, तो पी मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 ऑफ पी, पी का आधा, ये लिख लिया यहाँ तक। अब हुआ क्या सर, इस हाफ प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, यानी इसका जो मूल्य है वो कितना है, 400 रुपए, 400 रुपीज, तो हमने लिख दिया इसके इक्वल 400 रुपीज, क्योंकि पी मल्टीप्लाई 1/2 जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सर, 400 रुपीज दे रखी है, ठीक है। अब देखो क्या आप यहाँ से पी की वैल्यू पता कर सकते हो, सर बहुत इजीली कर सकते हैं, हमने जब ट्री वाले क्वेश्चंस किए थे उसमें 1 की वैल्यू पता की, यहाँ पे पी की पता कर लेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड वाला तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये 400 मल्टीप्लाई 2 और ये 1, तो ये सर 800/1,
तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपीज। तो टोटल पी कितना है 800 रुपीज, यानी प्रॉपर्टी का टोटल मूल्य कितना है, टोटल वैल्यू कितनी है, कुल मूल्य कितना है सर 800 रुपीज। कैसे सर, आधे पाका था ऊपर नीचे ले गए मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे आपको टोटल वैल्यू नहीं बतानी है, आपको इस टोटल वैल्यू के 1/6 पार्ट बताना है। आपको टोटल वैल्यू नहीं पूछा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने पूछा है कि इसका 1/6 पार्ट चाहिए, इसका भी 1/6 भाग चाहिए, यानी कि 1/6 भाग चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया सर, पी टोटल वैल्यू थी उसका मल्टीप्लाई ऑफ कितना सर 1/6, बस का ऑफ 1/6। तो सर पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 800, ऑफ या का मल्टीप्लाई 1/6, 6 का डिवाइड सर मल्टीप्लाई कर लो पहले, 800 में 6 का डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करते रहेंगे, पॉइंट लगा के 0 लिख लेंगे, फिर 3 टाइम्स फिर 33, तो 133.33। ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब जिसको भी कोई डाउट रहा है, कोई बात पूछनी है, हैंड रेज कर दो। जैसा हमें क्वेश्चन लिखेगा वैसा ही यहाँ पे हम लिखेंगे। हमने क्या कहा सर, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ले लिया हमने पी, प्रॉपर्टी कितना ले लिया। अब इस प्रॉपर्टी का हाफ ऑफ हाफ, आधे का आधा भाग, हाफ ऑफ हाफ मतलब आधे का आधा, तो प्रॉपर्टी का यानी मल्टीप्लाई कितना हाफ, इसका भी हाफ, आधे का आधा, तो प्रॉपर्टी का आधा हाफ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वापिस हाफ का आधा, उसका भी आधा, उसका भी 1/2, ठीक है ना, इस तरह होगा ये हाफ ऑफ हाफ, यानी कि प्रॉपर्टी हाफ ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई उसका भी हाफ, उसका भी आधा, तो उस वापिस मल्टीप्लाई 1/2, जो टोटल लिखा हुआ सर 400। फिर से सर कोई बात नहीं, जो भी आपके सामने सभी मल्टीप्लाई में है तो जो भी नीचे है डिवाइड में उन सबको ऊपर भेज दो। तो पी इज इक्वल टू 400, ये मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 2 तो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाले दोनों कहाँ आ जाएंगे, जो मल्टीप्लाई में है वो दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। कैसे सर, ये दोनों मल्टीप्लाई में, कोई साइन नहीं है ना मल्टीप्लाई के अलावा, कोई नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस और डिवाइड नहीं होना चाहिए, केवल मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये आ गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर लो, 1 मल्टीप्लाई 1 तो इधर कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2 इधर कर लो, क्योंकि ये हमने सीखा है ना कि जब मल्टीप्लाई में होता है तो अंश अंश एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो कितना हो गया 400, कितना आ जाएगा पी मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 400। अब देखो माइक म्यूट करो, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 400 मल्टीप्लाई 4, और ये जो मल्टीप्लाई में था ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई सर 4 4 जैसे 16, तो 1600/1, तो आंसर कितना रहेगा 1600 रुपीज रहेगा। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। देखो हाफ ऑफ हाफ लिखा हुआ है, तो पी मल्टीप्लाई हाफ उसका भी हाफ मल्टीप्लाई 1/2 400। हमें पता है कि सर ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 1/4, 4 नीचे था ऊपर चला गया, 1 ऊपर था नीचे आ गया, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, और दोनों 600/1 हो गए, ये 1600 है। फिर क्या पूछा सर इसका 1/6, तो हमने दोनों 1/6 निकाल दिए इसी 800 रुपीज का, या फिर 600 का 1/6 निकाल सकते थे, ठीक है ओके। यहाँ भी सेम अभी जो हम पढ़ के आए ना वैसा ही क्वेश्चन है, डिट्टो वैसा क्वेश्चन है ये वाला, कोई चेंज नहीं इसमें। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, 3/5 kg सिल्वर प्राइस इज ₹240, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/2 kg, 3/5 किलोग्राम ये किलो चांदी का मूल्य ₹240 है, तो 1/2 किलो, एक 1/2 kg का मूल्य क्या होगा। अब हमने क्या देखा सर, सर इसकी जो 3/5 kg है इसका कितना है 3/5 kg का, तो सिल्वर को एस ले ले हम, सिल्वर को ले लेते हैं एस। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सर जो एस है, एस का या ऑफ मल्टीप्लाई कितना सर 3/5, इसका कितना चाहिए हमें 3/5, 3/5 kg किसका सिल्वर का, 3/5 किलो चांदी, तो चांदी का कितना भाग आपको 3/5, 3/5 उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सर 240, ₹240 आपको दे रखी है। तो यही है देखो 3/5 kg सिल्वर, यानी सिल्वर का कितना भाग 3/5 kg, चांदी का कितना भाग 3/5 किलो, ये लो सर,
इसको केजी लिख देते हैं, इधर रुपीज लिख देते हैं, ताकि ये पता रहे कि ये हमारे किलो में चल रहे हैं, ये रुपीज में चल रहे हैं। अब हेलो सर, बोलो बोलो सर, आपने सर 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 कैसे लिखा? 5 नहीं, वो ऐसे पहली बात, ऐसे पहली बात। ओके सर, अभी नहीं आएंगे सर, अभी तो ये ऐसे ही एस, सिल्वर को हमने एस ले लिया था थोड़ा ना, इसलिए ध्यान रखा करो, आप बीच बीच में इधर उधर ध्यान भटकाते हो, फिर पता चलता है कि हम तो पीछे रह गए। हमने चांदी या सिल्वर को एस ले लिया, हमने चांदी या सिल्वर को क्या ले लिया, एस। तो उसका कितना सर, 3.5 केजी, और उसका वैल्यू कितना है, 204 रुपीज। ठीक है, अब देखो हम निकालते हैं, पहले एस की वैल्यू पता कर लो, यहाँ से क्या कर लो, इस एस की वैल्यू पता कर लो। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला किधर चला जाता है, उधर साइड में, तो जो ये तो डिवाइड में है, डिवाइड कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा सर, नीचे 3। अब देखो माइक म्यूट करो, ये डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा ना 3 8 24 80, और 80 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, और 400 रुपीज। तो टोटल मूल्य कितना आ गया, 400 रुपीज। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू कितनी आ गई सर, 400 रुपीज, यानी कि चांदी का जो पूरा मूल्य है वो कितना है, 400 रुपीज। ठीक है, अब चांदी का कितना इसको हो जाएगा, ये 1 केजी, ध्यान रखना ये कितना केजी है, 1 केजी। कैसे पता किया सर आपने 1 केजी है, क्योंकि देखो ये 3/5 केजी था, और चांदी को देखो हम हर बार क्या लेते हैं, हम जब भी फ्रैक्शन में क्या वैल्यू मानते हैं, 1 ही मानते हैं ना, हमने यहाँ पर एस नहीं, हमने एस की कितना केजी मान लिया, 1 केजी ले लिया इसको, क्योंकि हर बार कितना लेते हैं, 1 केजी। तो ये 1 केजी की वैल्यू आ गई 400 रुपीज, 1 केजी की वैल्यू कितनी आ गई, 400 रुपीज, क्योंकि एस इक्वल टू 1 केजी लेते हैं, जब भी फ्रैक्शन आता है तो हम कितना लेते हैं, 1 ही लेते हैं ना, तो यहाँ पर 1 केजी ले लेंगे एस की वैल्यू। अब इस 1 में से हमने कितना निकाल दिया सर, 3/5, तो एस टोटल कितना था, 400 रुपीज, एस टोटल कितना था, 400। कैसे किया सर, 3/5 की वैल्यू है 240, और 3 आ गया सर नीचे की तरफ, 5 चला गया ऊपर की तरफ, 80 और 85 400। बोलो क्या कह रहे थे, ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 केजी। एस की वैल्यू हम 1 केजी मानते हैं हर बार, तो 1 केजी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 400 रुपीज, यानी एस एस इज इक्वल टू 1 केजी, 400 रुपीज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन सर ये कह रहा है कि हमें तो 1/2 केजी की वैल्यू चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, 1/2 केजी की। आप ये बताओ कि आपको तो 1/2 चाहिए ना, तो आपकी 1 केजी और उसका कितना चाहिए आपको, 1/2 पार्ट एस का, ये मान लो इसको एस लिख देते हैं वापस, है ना, ठीक है। ये एस जो था, इस एस का कितना भाग चाहिए आपको, तो इसका 1/2 केजी चाहिए, एस का कितना चाहिए, 1/2, उसका वैल्यू पता करना है। एस का वैल्यू कितना था, यानी कि 1 केजी की वैल्यू कितनी है सर, 400 रुपीज, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/2, बताओ क्या होगा सर, इसमें इसका डिवाइड कर दो, 2 का 400 में 200 टाइम्स, तो ये हो गया सर 200 रुपीज। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 200। सर माय आंसर इज राइट। दोबारा सुनो सर, दोबारा सुनो, हां बोलो सर, क्लास का सर इसका आंसर मैंने क्लास 12 में सर इसका आंसर मैंने पहले ही सेंड कर दिया था, सब सही है, ठीक है, मेरा आंसर भी राइट है। अरे मैं सुन कुछ बोल रहा हूँ, वो भी सुन लो। ये लिखा हुआ है कि सर जो सिल्वर था उसको हमने ले लिया एस, और एस के 3/5 केजी की वैल्यू कितनी है सर, 240। तो एस मल्टीप्लाई 3/5 इज इक्वल टू 240, पहला पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि सर इसकी वैल्यू 240 है, और एस हम हर बार कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, जब भी हमें फ्रैक्शन में कोई वैल्यू चाहिए होती है तो हम 1 मानते हैं, तो एस को क्या ले लें, 1 केजी, यानी कि अब ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ चला जाएगा, ये तो नीचे, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 240 के साथ में जो 5 डिवाइड में वो तो आ गया मल्टीप्लाई में, और जो 3 मल्टीप्लाई में था वो आ गया डिवाइड में, 3 का 424 में डिवाइड होगा 80 मल्टीप्लाई 5 यानी 400। अब एस की वैल्यू कितनी आ गई, 400, यानी कि 1 केजी की वैल्यू कितनी है, 400। आपको तो 1/2 केजी की वैल्यू पूछिए, तो एस का ऑफ 1/2, तो
तो 400 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, तो 2 का 400 में डिवाइड 200, और इसकी वैल्यू कितनी है, 200 रुपीज इसकी वैल्यू आएगी। चलिए अब किसी स्टूडेंट को कोई बात नहीं समझ में आए तो हैंड रेज कर दो। अब देखो फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा ना सर। हमें इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि सर 4/7 केजी जो गोल्ड था उसकी वैल्यू हमारे पास में थी 20,000, ठीक है, और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो 1/4 केजी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, गोल्ड को ले लेते हैं जी, गोल्ड को ले लेते हैं जी, और इस गोल्ड का कितना पार्ट, सर 4/7 केजी, सोने का 4/7 किलो का मूल्य है 20,000 रुपए, रुपीज 20,000 है। इसका मतलब कि सर कि जो गोल्ड है, हम गोल्ड को 1 केजी ले लें एक बार के लिए, जी का जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि 1 केजी। तो यहाँ पर जो जी है सर, इस जी का कितना 4/7 केजी, जी का 4/7, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है जी का 4/7, और उसकी वैल्यू कितनी है 20,000, तो ये लिख दिया सर 20,000। बहुत ध्यान से धीरे धीरे स्टेप समझा रहा हूं मैं, हर एक स्टेप बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब क्या हुआ सर, अब हमें इस जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो जो डिवाइड वाला चला जाएगा वो तो ऊपर, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा सर नीचे डिवाइड में। तो अगर आप जी लिखोगे, अगर आप जी लिखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000, तो ये रहा, मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा 7, और ऊपर जो मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है। अब आपने देखा कि सर इसमें इसका इजीली डिवाइड होता है, तो डिवाइड कर दीजिए 4, 5 जा 20 और 3 times 7 = 0, ये दोनों क्या हो गया सर 5,000 × 7, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई सर 7, 5 जा 35। हाँ बोलो, ये हो गया सर 35,000, ठीक है। दोबारा देखो सर, पहले गोल्ड का 4/7 केजी का प्राइस दे रखा था हमें 20,000, यानी कि सोने के 4/7 किलो का मूल्य जो दे रखा था वो 20,000 रुपए दे रखा था। तो गोल्ड यानी जी हमने वो कितना मान रखा पहले से 1 केजी, उसके 4/7 केजी मल्टीप्लाई 4/7 रुपीज 20,000। अब ये 4 तो कहाँ आ जाएगा नीचे डिवाइड में, और 7 जो डिवाइड में वो कहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। अब क्या हुआ सर, देखना इस बात को बहुत ध्यान से देखना, ये वाले अच्छे से समझना कि सर 4 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आएगा, और जो डिवाइड में होता है वो चला जाता है मल्टीप्लाई में, कब, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता था। तो ये जो डिवाइड में था ऊपर मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में, क्योंकि ये इक्वल के इधर आ गया। अब ये पता चला कि सर ये दोनों यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, तो 4, 5 जा 20 और 5, 0, 0, ये तो हो गया 5,000, ये इससे मल्टीप्लाई 35 और ये हो गया 35,000। अब हमें क्या पूछा सर, हमें पूछा इसका 1/4 केजी पता करना है, इसकी 1/4 केजी की वैल्यू पता करनी है। तो जी का मतलब 1 केजी हो गया ना, क्योंकि हमने पहले 1 केजी मान रखा था, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन आता तो कितना लेते 1। अब देखो हमें इस जी की कितनी वैल्यू चाहिए सर, 1/4 केजी की वैल्यू चाहिए, तो जी का वैल्यू कितना है सर 35,000 है जी का वैल्यू, और उसका कितना आ जाएगा 1/4। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 35,000/4 लिख दें। अब क्या करें, डिवाइड, तो 4 का जो डिवाइड है वो किस में कर दें 35,000 में डिवाइड कर दें, ये लोग 35,000 में डिवाइड कर दो, 4 क्या हुआ 4 8 जा 32 माइनस कितना हो जाएगा 3, ये पहले 0 आ गया, ठीक है 30, और 4 7 जा 28 माइनस करोगे तो कितना रहेगा 2, ये आ गया सर 0, कितना हो गया 4 5 जा 20 माइनस किया तो 0, और ये 0 यहाँ पर रहेगा तो ये आ जाएगा 0, कितना आ गया सर 0 आ गया। कैसे पता किया, दोबारा देख लो कि सर सबसे पहले हमारे पास में था गोल्ड जिसकी 1/4/7 की जो वैल्यू थी वो 20,000 थी, 4/7 की वैल्यू कितनी थी 20,000, यानी कि जी मल्टीप्लाई 4/7, जी मल्टीप्लाई 4/7। तो सर हमें पता चला कि ये जो 20,000 है इसके इधर में जब मल्टीप्लाई में जो 7 है वो तो, सॉरी मल्टीप्लाई में जो 4 है वो तो आ जाएगा डिवाइड में,
और डिवाइड में जो 7 है वो आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। अब 20,000 में पता चला कि सर 4 का डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो इसको 4 का डिवाइड कर देंगे 5 टाइम 5,000, और सर ये 5,000 होने के बाद में ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 35,000। ठीक है, तो जी की वैल्यू कितनी है 35,000, और जी को हमने पहले से कितना मान रखा है 1 kg। अब हुआ क्या कि सर इसके बाद में हमें ये पता चला कि जो ये 35,000 है तो जी की वैल्यू है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर हमें तो क्वेश्चन में 1/4 की वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि हमें तो 1/4 kg की वैल्यू पता करनी है, तो हम जी को क्या करें, जी को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे, जी को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे। तो जी 35,000 मल्टीप्लाई 1/4, 4 का डिवाइड करना है, तो जब 4 का डिवाइड करेंगे तो 8750 इसका आंसर आएगा, 8750 इसका आंसर रहेगा। एक बार देख लीजिए सभी स्टूडेंट, वापिस अपने आप को समझा लीजिए, फटाफट से समझा लो ना अपने आप को जल्दी सी।